अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको सब लोगों को तो पता चल गया कि मैं उंजा शरीफ आ चुकी हूँ अजमेर से। मैं अजमेर के तो आप लोगों ने ब्लॉग देख ही लिए है ना, और मैंने भी आप लोगों के लिए अजमेर में बहुत दुआएं की है ना। जिन लोगों ने मुझे कमेंट डाले थे सबके लिए मैंने दुआ की। अभी मैं आ चुकी हूँ उंजा, है ना, उंजा शरीफ आ चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पर आज मेरी जियारत है। कल भी मैं गई थी दरगाह में, कल भी दरगाह गई, हमारे मुजावल से मिली, फिर उन्होंने कल बंदिश मतलब ये सब किए, बंदिश किए, घोड़े उतारे बंदिश किए। कल भी मेरा हो गया काम। 3 दिन यहाँ पर रुकना पड़ता है। 3 दिन आप रुकेंगे, जो भी आपके दिल में रहेगा वो सब आप अपने मुजावल को बोलना, अपने बाबा का नाम क्या, सैयद अली मेरा। रुक गई थी मैं, थोड़ा रुक गई थी बीच में। तो जैसे कि आप अपने मुजावर को बोलना, सैयद अली मीरा दातार बापू को बोलना, है ना, जो भी आपके मतलब दिल में रहेगा, या आपको जो तकलीफ रहेगी, कोई जिस्मानी तकलीफ रहेगी, या कोई बाहर की तकलीफ रहेगी, या आप पे किसी ने भी कुछ भी किया होगा, है ना। ऐसा होता है कभी कभी आजू बाजू वाले या कोई रिश्तेदार या कोई ना कोई अपने ऊपर जलते हैं, अपने ऊपर जल कर अपने ऊपर कुछ भी करते। तो आप लोग अगर आप कोई भी ऐसा है, मेरे जो YouTube के फैमिली है, या कोई भी ऐसे कोई भी चीज़ में ऐसा कोई तकलीफ में है, तो आप सैयद अली मीरा दातार बापू के पास में आइए, आपकी वो हर तकलीफ दूर हो जाएगी, है ना। मुझे तो बहुत यकीदा इनके ऊपर, बहुत भरोसा है ना, क्योंकि मैं हर साल आती हूँ, मेरा हर साल इधर आना ही पक्का ही है ना। मैं एक बार कहीं किधर नहीं जाऊँगी, मगर सैयद अली मीरा दातार बापू के पास में ज़रूर आऊँगी, है ना। इधर पे आने के बाद में मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज हमारी चादर वगैरह भी चलेगी, और जिस तरह से मैंने अजमेर में खाना की थी, उस तरह से यहाँ पे भी माशाल्लाह मैं खाना कर रही हूँ। बस उनकी ही दुआ है मेरे ऊपर, उनका ही हाथ है कि मैं उनके पास में हमेशा आती थी, और आज उन्होंने मुझे इतना नवाज दिया कि मैं उनके दरबार पर आज बहुत ही अच्छे से आई हूँ, है ना। तो चलिए आज मैं यहाँ पर खाना वगैरह भी करने वाली हूँ, तो साथ में आप लोगों को ले आऊंगी। आप लोग भी दुआ मांगना, आसिफ अच्छी तरह से पूरी मजाक दिखाना, है ना। जिनको जो मांगना है, जो तकलीफ है, आप उधर घर बैठे भी इनसे मांगिए, आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। आमीन आमीन। तो चलिए आप लोग मेरे साथ में। तो चलिए अभी मैं दरगाह के अंदर जा रही हूँ। सैयद अली मीरा दातार बापू, है ना, ऐसा बोलते हैं यहाँ के लोग, है ना। तो चलिए अभी मैं अंदर जा रही हूँ। माशाल्लाह देखकर ही बहुत ही सुकून मिल रहा था। जब से मैं इधर पे आई हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। तो ये है यहाँ का वज़ू खाना। यहाँ पर आप वज़ू करने से, ये पानी से जब आप वज़ू करोगे ना, तो आधी तकलीफ, आधी बीमारी, आधी जो भी आपकी परेशानी रहेगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। चल चलो चलो चलो, तुम आ जाओ अंदर, निकाल सकते हो वीडियो। अच्छा अंदर निकाल रहे ना, निकाल सकते। चल चल जा जा अंदर, जा अंदर, टोकरी का चलो आगे आ जाओ। चल चल निकलो, आप निकलो जाएगा। लो पकड़ो चाहिए।
हाथ लंबा करो, ये फोन वाले को पीछे हटाइए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम खुद फोन करो। नहीं नहीं, मेरा टेन तो मेरा टेन दिख सके। और इसी जगह पे इन्होंने यहाँ पे शंकर बाबू ने यानी के ये नमाज पढ़ के इसी जगह पे इन्होंने गाड़ी की। हाँ, तो ये इसकी वजह से इनके वो बैठक भी कुर्सी लगा दिए थे। हाँ, इधर मतलब नमाज पढ़ी थी ना इन्होंने, और इधर ही नमाज पढ़ के अपने मिसवाक गाड़ी थी इधर पे, तो जहाँ पे नमाज पढ़ी थी उस जगह पे इनका ये कुर्सी रख दी है। यूट्यूब देखिए, बुला रहे थे इनके ऊपर कल दावत थे ना उधर। दादी अम्मा, राष्ट्रीय अम्मा, आपके दरबार में, मेरे नाम से, मेरी मदद के लिए, मेरी तंदुरुस्ती के लिए, मेरी हिफाजत के लिए, मेरे ऊपर जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, जो भी मुसीबत है, वो दूर हो जाए मेरे ऊपर, आपके पास दामन का, आपके पास दामन का साया रहे, साया रहे, वसीला रहे, वसीला रहे, ऐसी मदद के लिए, सवा सौ घोड़ों की, सवा सौ घोड़ों की इतनी सवारी, इतनी सवारी उड़ा रही हूँ मेरे जिस्म में, मेरे हाथ पैरों में, मेरे हाथ पैरों में, मेरे दिलो दिमाग में, मेरे दिलो दिमाग में, पेट कमर में, पेट कमर में, चलने फिरने में, चलने फिरने में, बैठने में, उठने बैठने में, खाने पीने में, खाने पीने में, जो भी तकलीफ है, जो भी तकलीफ है, परेशानी है, परेशानी, कोई बला का असर है, कोई बला का असर, बीमारी का असर है, बीमारी का असर, जादू का असर है, जादू का असर, रिश्तेदारों ने, किसी मिलने जुलने वालों ने, किसी मिलने जुलने, किसी आस पड़ोसियों ने, किसी आस पड़ोसियों ने कुछ भी किया कराया, कुछ भी किया कराया, छोड़ा छुड़ाया, छोड़ा छुड़ाया, गाढ़ा गढ़ाया, गाढ़ा गढ़ाया, दातार बाबा, दातार बाबा, जो भी तकलीफ है, जो भी तकलीफ, सारी चीजों को, सारी चीजों को आपके दरबार में, आपके दरबार में, आपके लोबान में, आपके लोबान में खींच कर, खींच कर, जला कर, जला कर, खत्म करना, खत्म करना, हमको तंदुरुस्ती देना, हमें तंदुरुस्ती देना, मदद करना, मदद करना, तमाम आने वाली, तमाम आने वाली आफतों से, आफतों से, परेशानियों से, परेशानियों से, बीमारियों से, बीमारियों से, जादू से, जादू से, शैतानी हरकतों से, शैतानी हरकतों से बचाए रखना, बचाए रखना, दातार बाबा, दातार बाबा, हमारे ऊपर, हमारे ऊपर, आपके पाक दामन का, आपके पाक दामन का साया रखना, साया रखना, वसीला रखना, वसीला रखना। तो चलिए अभी मैं आपको सारी दरगाह घुमाकर लेके आती हूँ, है ना। तो चलिए ये मैं जा रही हूँ सबसे पहले वजू खाने के पास में। वजू खाना, वजू तो हमने कर लिए थे मगर आपको बता रही हूँ एक तरफ वजू खाना है, फिर यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर है जैसे कि कुछ बंदिश वगैरह करते, ये सब कुछ है यहाँ पर, ये मुझे इतना बराबर मालूम नहीं है, अरे मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में ये पीछे बाजू है, इधर पर कुछ मेरे यूट्यूब के फॉलोवर मिल गए थे, और ये है ये वजू खाने का पानी है इसके अंदर। इधर पे जो भी तकलीफ़ रहती है, जिसको जो बीमारी रहती है, जो तकलीफ़ के लिए दरगाह पे आते हैं ना, तो उसके लिए ये पानी में उन लोग नहाते हैं। नहाने से क्या होता है, इनकी जो तकलीफ़ है सारी ख़त्म हो जाती है ना। तो चलिए यहाँ से अभी हम निकलेंगे, कहाँ पे जाएंगे हम,
अच्छा हाँ, यहाँ पर आती है जंग, ये जो है ना आपको एक अभी जगह है बताऊंगी, वहाँ पर जो है ना इसकी आवाज़ आती है, जंग की आवाज़ आती है, जब हाँ घोड़े की, हाँ घोड़े की टाप की आवाज़ आती है, जैसे घोड़े घोड़े, हाँ जैसे हवा चलते, जब जंग ये हुई थी ना, जंग वगैरह कुछ हुई थी ना, वो हुई थी ना, तो उसकी आवाज़ आती है इसके अंदर। देखिए मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं इसके अंदर ना ऐसा सर अंदर रखूंगी ना, तो ऐसा कान लगा के ध्यान से सुनने का इसके अंदर, तो इसके अंदर ना सब जंग होती है या घोड़े भागते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, ज़ोर ज़ोर में हवा चलती है वैसे। तो ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे जो है ना सैयद अली मीरा दादा बापू जब जंग पे गए थे तो वो उसकी आवाज़ इसके अंदर आती है, ऐसा बताते हैं ना। अभी मुझे इतनी ठीक तरह से मालूम नहीं है, जितना मालूम है मैं उतना आपको बता रही हूँ। तो चलिए फिर यहाँ से हम निकलेंगे, पीछे साइड जाएंगे तो वहाँ पे दादी माँ की चक्की है ना, तो दादी माँ की चक्की बोले तो उसके अंदर ऊपर जाके, ऊपर दादी माँ की चक्की के ऊपर हाथ रख के गोल 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 उसके चक्कर लगाने हैं ना, आप जब तक का चक्कर लगाने हैं आपको, जब तक आपके अंदर की जो तकलीफ़ है वो बाहर निकल नहीं जाती है, और वो पूरी जो तकलीफ़ है वो बाहर निकल जाती है ना। तो ये दादी माँ की चक्की थोड़ी ऊंचाई पे है तो इस पे चढ़ के हमें जाना पड़ता है सीढ़ियों से, थोड़ा चल के है ना। और मैं तो यही चाहती हूँ, यही बोलती हूँ कि सैयद अली मीरा दातार बापू जो है, जो भी आपके पास में जो भी तकलीफ़ें लेके आए हैं, जो भी फरियाद लेके आए हैं, बस उनकी तबीयतों को अच्छा कर दो, उनका सुनो और उनको जल्द से जल्द अच्छा करके उनको उनके घर पे फिर से रवाना कर दो, है ना। यही मैं दिल से यही चाहती हूँ, और मैंने भी यही दुआ की, अपने लिए भी की, उन लोगों के लिए भी की जो जो वहाँ पे इतनी तकलीफ लेके रहते हैं, और उन लोगों के लिए भी की जो लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप हम लोगों के लिए दुआ करना, तो आप लोग भी मज़ार को देखकर जो मांगना है मांग सकते हैं ना। तो चलिए अभी हम लोग वहाँ से निकले, अभी हम लोग जा रहे हैं मामू साहब की दरगाह पे। हाँ, ऐसा मेरा दाता सरकार के 5 मिनट चल के जाएंगे, तो उधर 5 मिनट चल के जाएंगे, दूरी हाँ। है। और एक है ना उधर पे एक तालाब भी है ना, हाँ। जहाँ पे जो हमारे बापू साहब, हाँ, हाँ वो जो है ना बापू साहब है ना, जब उनके उनकी शादी थी, हाँ। उनके उनके हाथ पे मेहंदी लगी थी, वो मेहंदी का हाथ है ना वो तालाब में धोकर गए थे, हाँ। तो वो पानी अभी तक का हरा हरा ही है, हाँ। मेहंदी के जैसा मेहंदी कलर का ही है ना, अभी तो वो सूख गया है, मगर उधर के लोग बोलते हैं, हमारे मुजावर बताते हैं हमें, हाँ। तो बारिश आती है तो उसमें पानी जमता है ना, तो हरा कलर का पानी जमता है, हरा कलर का ही रहता है। तो अभी ये है मामू साहब की दरगाह है ना, तो यहाँ पर भी हम आए, यहाँ पर भी हमने चादर वगैरह पेश की है ना, और यहाँ पर भी फूल बिल जो था हमारी है, लोबान का टाइम हो गया था, यहाँ पर भी ये हमारे मुजावर है, आप लोगों ने हमारे मुजावर को तो देख चुके, अगर आपको कभी भी आना है तो हमारे मुजावर के पास में आप आ सकते, हमारे मुजावर का नाम है क्या है आसिफ, हाजी सैयद रफीउद्दीन, हाँ हाजी सैयद रफीउद्दीन, अगर आप पूछेंगे तो आपको कोई भी बताएगा, और आप उनके पास जाना, वो बहुत अच्छे से आपको हर चीज समझा के बताते हैं ना, हाँ। और अच्छे से आपको मतलब गाइड करते हैं ना, कैसे करना है क्या करना है ना, तो हमारे तो बहुत पुराने मुजावर है वो, हाँ, है ना, बहुत पुराने मुजावर है।
तो चलिए यहाँ पर सलाम भी हो चुका है, लोबान भी हो चुका है। तो चलिए अभी हम फिर आकर यहाँ पर बैठे। हमारे मुजावर ने बोले कि आप वहाँ पर मत जाइए, काफ़ी गर्दी है, तो आपको लोबान जो है वो यहाँ पर ही मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कैसे होता है, हम सुबह में एक बार हमारे घोड़े उतारते हैं और शाम में एक बार लोबान के बाद में फिर एक बार हमारे घोड़े उतारते हैं। तीन दिन रुकते तो तीन दिन में दो दो बार घोड़े उतारते हैं। हाँ, घोड़े उतारने पड़ते हैं। और हम 40 दिन का छिल्ला बांध कर भी जा सकते हैं यहाँ से। जब हम अपने घर पे चले जाएंगे ना, तो फिर रोज रोज मुजावर ना दो टाइम अपने नाम के घोड़े छोड़ेंगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे किया जाता है वो हिसाब से वो मुजावर लोग बताते हैं, हम करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये लोबान तो आपको यहाँ पर आएंगे तो लेना है। और कैसे लेना है, मुंह खोल के ऐसा अंदर मुंह में लेना है कि जितनी भी आपकी तकलीफ है, किसी ने आप पे कुछ भी किया है, आजकल तो बहुत ये चलता है कि इसके ऊपर जादू टोना, इसके ऊपर कुछ भी कर देना है ना, तो ये नज़र बला ये सब बहुत होता है। तो आप इधर पे आओगे ना, आपकी हर तकलीफ हर बीमारी को शिफा मिलेगी, है ना। और आपके ऊपर कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि कुछ करने की, तो वो कभी भी आप पे होएगा ही नहीं, क्योंकि आप इनका दामन पकड़ के चल रहे। सैयद अली मीरा दातार बापू का जब आप दामन पकड़ के चलोगे ना, तो आपके ऊपर कितनी बड़ी से बड़ी भी जादू टोना करनी या भूत पलीत कुछ भी रहेगा ना, तो आपके पास नहीं आएंगे। मैंने यहाँ से माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मजबूत तावीज भी बना के ली हूँ, जो मैंने गले में पहन के रखी हुई है ना, मज़ार के ऊपर से उतार कर भी मुझे तावीज पहनाए। माशाल्लाह जितनी मेरी हैसियत थी उतना मैंने यहाँ पर आकर की, है ना। चिराग भी रोशन की मैंने, है ना। जो जो मुझे देना था मैंने सब अपने हिसाब से यहाँ पर की हो, है ना। की हो ना, बस मैं यही चाहती हूँ सैयद अली मीरा दातार बापू हम लोग चारों पे हमेशा अपनी नज़र बनाए रखे, हम पे कोई भी नज़र टोका, है ना, जादू करनी कुछ भी हो ना, बस यही मेरी गुजारिश है सैयद अली मीरा दातार बापू से। तो चले यहाँ पर मैंने भी, जैसे कि हमने अजमेर में जैसे खाना बनाए थे माशाल्लाह, वैसे यहाँ पर भी मैंने खाना बनवाई और यहाँ पर भी फातिया वगैरह हुई। उसके बाद में जो मुझे बांटना था देना था वो सब मैंने दी, है ना। उसके बाद में यही खाना हम लोगों ने भी खाए बैठ के, है ना। हमने फिर मुजावर जो थे हमारे खादिम, खादिम घर पे जाके खाए। हाँ, उन्होंने एक टोप भेजे थे अपने घर से, और टोप में हम लोगों ने खाना डाले और लेके जाके आराम से एक सहूलियत से बैठ के हमारे खादिम के घर पे खाए। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। कैसा लगा आपको मेरा अजमेर से लेकर उंझा तक का वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं जहाँ जहाँ गई वहाँ पर भी आप लोगों को हर चीज़ का दीदार कराई। तो आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखना, और मैं भी आप लोगों को हमेशा दुआ में याद रखूँगी। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।